Please share and subscribe and help us to grow more. So hello students and welcome to our channel Edu Entertainment. So students, आज हम नया chapter शुरू करेंगे mathematics का, जो है polynomials. Chapter 2 mathematics का polynomials. और आज जो हम topic करने वाला हमारा पहला topic रहेगा वो है zeros of polynomials. और आज हम उसका सिर्फ concept समझेंगे कि इसका concept क्या है zeros of polynomials का. तो अगर ये video आपको अच्छा लगे तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए. तो students, थोड़ा जोश के साथ शुरुआत करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि लेट p of x बी अ पॉलीनोमियल इफ x इक्वल्स टू k देन p of k इक्वल्स टू 0 वेयर k इज द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल p of x. मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हम मान लेते हैं कि p of x एक पॉलीनोमियल है. अगर हम x के बजाय k रख दें और हमें पॉलीनोमियल की वैल्यू, वो जो p of x पॉलीनोमियल की वैल्यू अगर हमको 0 मिल जाए तो k जो है वो हमारा zero of the polynomial कहलाएगा. तो आप इसे एक example से समझने की कोशिश कीजिए कि p of x equals to ax plus b. हमने क्या किया कि let for x equals to k p of k equals to 0. हमने मान लिया कि x को हम k के x के बजाय हम k रखेंगे तो हमको p of x 0 मिलेगा, p of k 0 मिलेगा, sorry. तो therefore p of k equals to ak plus b equals to 0, क्योंकि हमने मान लिया था कि p of k 0 है. x के बदले हमने k रखा और हमको पॉलीनोमियल की जो सॉल्यूशन था वो 0 मिला. तो आगे क्या हम लिख सकते हैं इक्वेशन को, माइनस b को या दूसरी साइड ले जा सकते हैं. तो so ak equals to minus b, therefore हमको k की वैल्यू क्या मिली, minus b by a. So conclusion में क्या बोल सकते हैं कि minus b by a is a zero of polynomial p of x because the solution of this equation becomes zero at value k equals to minus b by a. अब आप equation में x के बजाय minus b by a रख के देख लेना. तो आप जैसे ही minus b by a रखेंगे हमारे a से a cancel हो जाएगा और minus b plus b, तो हमारा p of x क्या हो गया, zero हो गया. तो minus b by a जो k की value है वो क्या है, zero of the polynomial. तो यही इसका concept है zero of the polynomial का. So students, आगे भी हमारे वीडियो आते रहेंगे zeros of polynomial के related और इस chapter के related और mathematics subject के related. और हमने science subject के related भी एक वीडियो रखी है, tricks to balance any given chemical equation. तो आप वो भी देख सकते हैं, हमारा checkout कर सकते हैं. और हमने एक वीडियो रखा था pi के बारे में, हमारा edu n10 में extras episode 1 जो pi के बारे में. तो अगर आपको pi के बारे में जानना है detail में अच्छे से, उसके fun facts, उसका जो unique points है, तो आप जरूर हमारा वो भी वीडियो देख सकते हैं. तो हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स पर भी पूरा सीरीज बनाया, तीन पार्ट में हमारे पूरा सीरीज कंप्लीट कर लिया, हमारा रियल नंबर्स चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया. तो अगर आपको उसमें में कोई डाउट है तो आप वो भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं. तो शुक्रिया आप लोगों का अभी के लिए. बाय-बाय.